तो अभी बज रहे थे दोपहर के 1, और आज मैं बहुत बहुत लेट उठी हूँ। और मैंगो शेक पीते ही मैं लग गई सेल साइकिल का लेक्चर देखने। तो बहुत दिन से मैंने लेक्चर्स देखे नहीं थे, आज देख रही हूँ बहुत दिन बाद, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे कॉलेज में, तो पूरा जून उन्हीं में निकल गया। तो अभी मैंने शुरू किया है बहुत दिन बाद पढ़ाई, और सेल साइकिल नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो उसी से मैंने स्टार्ट कर दिया। बॉडी फ्लूड्स मैंने 1-2 दिन पहले देख लिया था, उसके 2 लेक्चर्स थे। तो अभी टाइम हो रहा है 3:30, और सेकंड लेक्चर मैंने देख लिया है सेल साइकिल का, और उसके जस्ट बाद मैं बैठ गई थर्ड लेक्चर देखने। तो थर्ड लेक्चर तो आज ही आया था, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर मेरे हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर मैंने कल देखा था, और बॉडी फ्लूड्स के 2 लेक्चर्स भी मैंने कल देखे थे। तो ये 2 चैप्टर नए नए स्टार्ट हुए थे, तो मैंने सोचा यही इसी को पकड़ के स्टार्ट कर देती हूँ, और बैकलॉग बाद में निपटाती रहूँगी। तो मेरा स्टडी टेबल पे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, पढ़ने का ही नहीं मन कर रहा था, क्योंकि मैं बहुत दिन से पढ़ी नहीं हूँ। तो जब रिदम टूट जाता ना, तो मन नहीं करता पढ़ने का। तो मैं आ गई बेड पे, बेड पे मैंने लेक्चर कंप्लीट किया। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी दिशा पब्लिकेशन की इस बुक के बारे में। तो ये इनकी बेस्ट सेलिंग बुक है, जिसका ये न्यू एडिशन है। 36 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज़ और टॉपिक वाइज़। और इस साल के 2023 के दोनों फेज़ के क्वेश्चंस भी इसमें आपको मिल जाएंगे, फेज़ 1 एंड फेज़ 2, जो कि सेप्टेम्बर में हुआ था। इस बुक की कुछ USPs है, जैसे कि हर क्वेश्चन के साथ उसका पेज नंबर मेंशनड है, दोनों ओल्ड और न्यू NCERT का। हर एक चैप्टर का क्वेश्चन टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिससे कि आप एक टॉपिक रिवाइज करके उसको उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। सॉल्यूशन के अंदर आपको नोट्स गिवन है, जिसमें आपको टिप्स ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। इस बुक में आपको अब तक के सारे 45 पेपर्स मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग कर्नाटका 2013, रीशेड्यूल 2015-2016 फेज़ 2, उड़ीसा 2019 एंड 2020 फेज़ 2, एंड 2022 फेज़ 2 पेपर्स। इस बुक में आपको कम्प्लीटली सॉल्व CBSE मेंस के पेपर्स भी मिल जाएंगे, फ्रॉम 2010-2012। 100% डिटेल्ड एंड एररलेस सॉल्यूशंस हर एक क्वेश्चन के गिवन है, एंड दिस बुक इज़ द मोस्ट फेवरेट बुक ऑफ ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट। तो अगर आपको भी ये बुक परचेज करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। ऑल्सो दिस बुक इज़ अवेलेबल इन हिंदी, और तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ये बुक अवेलेबल है। तो अभी टाइम हो रहा है 8:15 रात के, और आज मैंने सिर्फ 2 ही लेक्चर्स देखे हैं सेल साइकिल सेल डिवीजन के। अभी इसको रिवाइज करूँगी, DPP भी करूँगी, बट आज मैंने सिर्फ 2 ही लेक्चर देखे हैं। और क्योंकि मैं बहुत दिन से पढ़ नहीं रही थी, तो मतलब है ना, वो जो कंसिस्टेंसी होती है दिन भर पढ़ने की, वो नहीं थी। तो आज मैंने बस 2 ही लेक्चर देखे हैं पूरे दिन में। दोपहर को मैं उठी थी, तो यही है बस। तो सेल साइकिल में अब मैं 7 हूँ, और बॉडी फ्लूड्स के मैंने 2 लेक्चर्स देखे हैं, और ये सारा मेरा बैकलॉग है, क्योंकि मैंने अभी बोला कि मैं इतने दिन से पढ़ नहीं रही थी, क्योंकि मेरे कॉलेज में एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो उसी का पढ़ रही थी, क्योंकि इस टाइम सब कुछ नया नया था, तो वो पढ़ना पड़ा था। 11th 12th का कुछ नहीं था, तो मैं कॉलेज का पढ़ रही थी। अभी तक पूरा जून कॉलेज में ही चला गया, तो ये सब मेरा बैकलॉग है। वेक्टर के 3 लेक्चर्स रहते हैं, यूनिट पूरी, यूनिट एंड डायमेंशंस, और मोशन, और केमिस्ट्री में सॉल्यूशन, स्टेट्स ऑफ मैटर, सेल बॉटनी में सेल साइकिल और सेल डिवीजन, ये मैंने देख चुकी हूँ, ये आज मैंने देख लिया ये, और कल परसों मैंने देख कल देखा था मैंने बॉडी फ्लूड्स के 2 लेक्चर्स हो रखे थे, तो वो भी देख लिया था। तो बॉटनी और जूलॉजी में अब मैं 7 चल रही हूँ, क्योंकि नए चैप्टर स्टार्ट हुए हैं। जैसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री में नए चैप्टर्स स्टार्ट होंगे, मैं उसके भी मतलब पकड़ लूँगी, और साथ ये सारा बैकलॉग निपटाऊँगी। मोस्ट प्रोबेबली मैं मतलब इनके लेक्चर्स अभी फ़िलहाल नहीं देखूँगी, शायद देख भी सकती हूँ, पता नहीं, जैसे भी मेरा दिल करेगा, बट अभी मोस्ट प्रोबेबली मैं नहीं देखने वाली। मेरे पास जो पुराने नोट्स हैं, मैं वही रिवाइज करूँगी, बट वेक्टर मैं ये देख लूँगी, क्योंकि 3 ही लेक्चर्स बचे हैं, तो ये तो देख लूँगी। बाकी यूनिट, मोशन, सॉल्यूशन, स्टेट, सेल और ब्रीदिंग, ये शायद मैं
नोट से ही करूँगी, बस रिवाइज करूँगी। और प्रैक्टिस टेस्ट 1 भी मेरा पेंडिंग है, और जो आज का टेस्ट है, जो संडे वाला आज टेस्ट था, शॉर्ट टेस्ट था, जो वो भी मैंने अभी नहीं दिया है क्योंकि ऑब्वियसली मेरा बैकलॉग है, तो ये मैं दे दूँगी बाद में जब मैं पढ़ूँगी। बाकी मैंने फर्स्ट शॉर्ट टेस्ट दे दिया था, मैंने आपको नंबर नहीं बताए थे उसके, तो मेरे उसमें आए थे 177 आए थे 192 में से। बाकी अभी और दो टेस्ट मेरे पेंडिंग है, और जो 9th वाला टेस्ट है मैं कोशिश करूँगी वो तो दे ही दूँ। 720 नंबर का टेस्ट होगा वो 9 जुलाई का, तो देखते हैं। अभी अभी फ़िलहाल मैं सेल डिवीज़न रिवाइज़ करने लग रही हूँ, और फिर बताती हूँ क्या करूँगी। तो अभी टाइम हो रहा है 9:40, और मेरे तीनों लेक्चर्स रिवाइज हो चुके हैं, और DPP भी लगा लिया मैंने। अब और तो कुछ नहीं कर रही मैं, और कुछ एक दिन में मैं लाइव शुरू करूँगी, लाइव सेशंस स्टडी विद मी, तो देख लेना। मैं एक दो दिन में मैं शुरू कर दूँगी, अभी स्केड्यूल मेरे को भी नहीं पता, अभी मैं देख रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत दिन से मैं पढ़ी रही हूँ, तो देखूँगी अभी एक दो दिन में शुरू कर दूँगी। तो अभी के लिए व्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ।